नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील विष्णु जी के पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपन राजस्थान हिस्ट्री में लास्ट में पढ़े थे गुहिल राजवंश, और गुहिल राजवंश में पहले अपने पढ़ा था इनके उत्पत्ति के बारे में मत, और उसके बाद में अपने पढ़े थे शासक गुहादित्य से लेकर अपने शासक पढ़े थे कहाँ तक, भरतभट द्वितीय तक। आज अपन उससे आगे शुरू करते हैं दोस्तों। आज अपन जो अगला शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अल्लट। पूछ रहे टॉपिक क्या चला था अपने, तो अपना टॉपिक चला था दोस्तों गुहिल राजवंश। अपना टॉपिक चला था दोस्तों गुहिल राजवंश। अगला अपन शासक पढ़ते हैं गुहिल राजवंश का अल्लट। पूछ ले अन्य नाम, अल्लट अन्य नाम, तो अन्य नाम मिलता है दोस्तों इसका आलू रावल। आलू रावल। पूछ ले अल्लट की राजधानी, अल्लट की राजधानी, तो राजधानी थी दोस्तों आहड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ ले मेवाड़ की पहली राजधानी, तो मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी, नागदा, और दूसरी राजधानी कौन सी, आहड़। मेवाड़ की दूसरी राजधानी, मेवाड़ की दूसरी राजधानी, पूछ ले कौन सी, तो दूसरी राजधानी थी दोस्तों कौन सी, आहड़। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से है, पूछे कि सबसे पहले, सबसे पहले नौकरशाही, सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक, स्थापना करने वाला शासक, तो सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक था दोस्तों कौन, अल्लट। अल्लट था राजस्थान में। पूछ लिया कि सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना, तो सबसे पहले नौकरशाही की स्थापना करने वाला शासक कौन दोस्तों, अल्लट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। दूसरा तृतीय अपन पढ़ते हैं, अल्लट ने, अल्लट ने हुण राजकुमारी, हुण राजकुमारी, पूछ ले नाम क्या था, हरिया देवी से, हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, यही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से और बन जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान का पहला, राजस्थान का पहला विदेशी ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह, राजस्थान का पहला विदेशी ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह, तो विदेशी ऑब्लिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाला शासक कौन, अल्लट। पूछ ले अल्लट का उत्तराधिकारी कौन, तो अल्लट का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों नरवाहन, इसका उत्तराधिकारी बना था दोस्तों नरवाहन। नरवाहन के क्या है कि चौहानों के साथ मधुर संबंध थे, नरवाहन के चौहानों के साथ अच्छे संबंध थे, चौहानों के साथ अच्छे संबंध थे, अच्छों में कैसे, नरवाहन ने चौहान शासक, चौहान शासक, चौहान शासक का नाम पूछ ले, नाम था दोस्तों जे जे, चौहान शासक जे जे की पुत्री से विवाह किया था, जे जे की पुत्री से विवाह किया था। तो पहला पढ़ा था अल्लट, दूसरा नरवाहन। नरवाहन के बाद में यहाँ का जो प्रमुख शासक बना था दोस्तों, तो प्रमुख शासक हम अपन देखें तो यहाँ पर इसके समय प्रमुख शासकों में
अलट, अलट के बाद में नरवाहन, और नरवाहन के बाद में अपन पढ़ते हैं शक्ति कुमार, जो शक्ति कुमार, शक्ति कुमार इंपॉर्टेंट पर्सन है। शक्ति कुमार को, शक्ति कुमार को मालवा के मुंज नामक, मालवा के मुंज नामक सरदार ने पराजित किया था, पराजित किया था। इसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, इस मुंज के, मुंज के वंशज, मुंज के वंशज भोज ने, मुंज के वंशज भोज ने चित्तौड़गढ़ में एक मंदिर बनवाया था दोस्तों, त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। पूछ ले इस मंदिर का जीर्णोद्धार, तो दोस्तों मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था महाराणा मोक्कल ने, महाराणा मोक्कल ने। इसके बाद में पूछे परिवर्तित नाम, परिवर्तित नाम, तो मोक्कल के जीर्णोद्धार कराने के बाद में इस मंदिर का नाम रखा गया मोक्कल का समधीश्वर मंदिर, मोक्कल का समधीश्वर मंदिर। पूछे एक अन्य निर्माण, अन्य निर्माण, तो अन्य निर्माण कहता था दोस्तों इस भोज ने नागदा में भोजासर तालाब का, नागदा में भोजासर तालाब का। तो पहले अपने शासक पढ़ा था अलट, अलट के बाद पढ़ा नरवाहन, और नरवाहन के बाद में शक्ति कुमार, शक्ति कुमार को पराजित किया था मुंज नामक सरदार। इसी मुंज के वंश से भोज ने निर्माण कराया था त्रिभुवन नारायण मंदिर, और त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था महाराणा मोक्कल ने, और इसी का परिवर्तित नाम क्या हो गया मोक्कल का समधीश्वर मंदिर। और पूछे और किसका निर्माण, तो नागदा में भोजासर तालाब का। देख लिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चलें दोस्तों आगे, शक्ति कुमार का पूछे एक उत्तराधिकारी, तो शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों रण सिंह। पूछ ले दोस्तों शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी, तो शक्ति कुमार का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों रण सिंह। पूछे इस रण सिंह का अन्य नाम, रण सिंह का अन्य नाम, तो इसको कहीं कहीं बोला जाता है दोस्तों कर्ण सिंह, कर्ण सिंह। इंपॉर्टेंट पर्सन यह है दोस्तों, रण सिंह के समय, रण सिंह के समय मेवाड़ की गुहिल शाखा का विभाजन पूछ ले कितने भागों में, दो भागों में,
हो गया था, दो भागों में हो गया था, दो भागों में हो गया था। मतलब अपन शाखा पढ़े थे कौन सी, गुहिल। शाखा पढ़े थे कौन सी, गुहिल। गुहिल का दो शाखा अपन पूछे तो दो इसके क्या है, दो पुत्र। एक का नाम तो था, दो शाखाओं का नाम है, तो दो शाखाओं का नाम कौन कौन से थे दोस्त, देखिए। दो शाखाओं में देखें तो एक का नाम, एक पुत्र का नाम था इसके क्षेम सिंह, क्षेम सिंह। और दूसरे पुत्र का नाम था दोस्तों राहप, क्षेम सिंह और राहप। क्षेम सिंह ने तो शुरू की थी दोस्तों कौन सी शाखा, रावल शाखा। और पूछे एक राहप ने शुरू की थी दोस्तों कौन सी, राणा शाखा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह है कि यही आगे चलकर, यही शाखा आगे चलकर कौन सा वंश, सिसोदिया वंश, सिसोदिया वंश नाम से प्रसिद्ध हुई थी, नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो इससे क्या है कि रण सिंह के दो पुत्र, एक नाम क्षेम सिंह, दूसरे का नाम था राहप। क्षेम सिंह ने शुरू की थी रावल शाखा और राहप ने की थी राणा शाखा। इसी राणा शाखा का आगे नक्षत्र का नाम हो गया था कौन सा दोस्तों, सिसोदिया वंश। पूछे इस रण सिंह का उत्तराधिकारी कौन, तो इसका उत्तराधिकारी बना था दोस्तों कौन, सामंत सिंह, सामंत है सिंह। सामंत सिंह अपन पढ़ चुके हैं जब चौहान पढ़े थे नाडोल के, तो इसको पराजित करने वाला चौहान शासक कौन, कीर्तिपाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखना आपको, नाडोल के चौहान शासक, नाडोल के चौहान शासक कीर्तिपाल ने, कीर्तिपाल ने सामंत सिंह को पराजित किया था, सामंत सिंह को पराजित किया था। पराजित होने के पश्चात क्या है इसने अपना नया क्षेत्र, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामंत सिंह ने पराजित होने के पश्चात, पराजित होने के पश्चात वागड़ को अपना नया कार्य क्षेत्र बनाया था, वागड़ को अपना नया कार्य क्षेत्र बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सामंत सिंह तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की ओर से लड़ते हुए वीर गति को, वीर गति को प्राप्त हो गया था, वीर गति को प्राप्त हो गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है पूछ ले, कौन सा गोहिल शासक ने पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के दूसरे युद्ध के समय सहायता की थी, तो तराइन के दूसरे युद्ध के समय सहायता करने वाला शासक कौन, सामंत सिंह, और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया था। देख लो इसको, लिख लो, फिर आगे चलते अपन। सामंत सिंह, सामंत सिंह को पराजित करने वाला शासक कौन, कीर्तिपाल। तो आगे चलते हैं,
कीर्तिपाल को वापस पराजित करेगा इसी सामंत सिंह का उत्तराधिकारी। सामंत सिंह का उत्तराधिकारी बना था दोस्तों कुमार सिंह। अगला अपन शासक पढ़ते हैं दोस्तों कुमार सिंह। कुमार सिंह पूछ ले कि समकालीन समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। तो समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था दोस्तों इल्तुतमिश। इसके समकालीन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या आक्रमण किया था मेवाड़ पर? इल्तुतमिश ने कुमार सिंह के समय मेवाड़ पर आक्रमण किया था, परंतु मेवाड़ पर जब आक्रमण किया था परंतु इसकी राजमाता राजमाता और राजमाता का नाम था दोस्तों क्रम देवी की सहायता से कुमार सिंह ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछे इल्तुतमिश के आक्रमण को किसकी सहायता से कुमार सिंह ने विफल किया था? राजमाता कौन? क्रमदेवी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न एक और है यहां से। कुमार सिंह ने चौहान शासक कीर्तिपाल को पराजित करके सामंत सिंह की हार का बदला लिया था तो ये था दोस्तों कुमार सिंह। तो अपना अब आज पढ़ा था सबसे पहले शुरुआत की थी अपन ने अलर्ट से। अलर्ट के बाद में अपने पढ़ा था नरवाहन के बाद में अपन ने पढ़ा था शक्ति कुमार के बाद में अपने पढ़ा है रण सिंह के बाद में जो अपना अगला शासक पढ़ा था सामंत सिंह, और सामंत सिंह के बाद में दिन क्या था कुमार सिंह का। तो दोस्तों ये वो तथ्य हैं जो आपके हर एग्जाम में आएंगे। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको वही एग्जाम क्वेश्चन कराऊँ बोर्ड पे जो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अपन बार बार चर्चा कर चुके हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो अगला अपन जो शासक पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे दोस्तों जैत्र सिंह। तो वही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और अधिक से अधिक लड़कों के पास भेजें ताकि घर बैठे इनको सहायता प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले दोस्तों, अगला जो अपन क्विल 1 का शासक पढ़ेंगे वो शासक पढ़ेंगे दोस्तों जैत्र सिंह। धन्यवाद।